सो क्रोमा ने तो मना कर दिया, उनको प्री बुकिंग ले ही नहीं रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रिलायंस डिजिटल पे। 170 1 TB और 500 वाला 150। तो मेरा मूड ख़राब हुआ, हम जब मॉल गए मैंने उससे पूछा उसके बारे में, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड था, नहीं अभी तो नहीं आया है, तो बहुत ड्रामा हुआ, सब देखने लग गए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आफ्टर 1 month आई फाइनली गॉट iPhone 16 Pro। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, एंड चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और मैं इस वीडियो में आईफोन लेने वाला हूँ। फोन 16 लॉन्च हो चुका है अभी कुछ दिन पहले ही, और अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इट इज़ 14 Pro, और मैंने 2 साल से अपग्रेड नहीं किया अपना फ़ोन, बिकॉज जब 15 लॉन्च हुआ था, जब मेरे पास 14 था और 15 नेक्स्ट ईयर लॉन्च हुआ, तो ऐसा कोई मेजर यू नो अपग्रेड आया भी नहीं था उन फोन्स में, तो मेरे को लगा जस्ट बिकॉज ऑफ कलर मेरे को नहीं चेंज करना चाहिए। बट 16 में आई थिंक देयर आर चेंजेस, आई लाइक द AI फीचर और वो द एक्शन बटन एंड एवरीथिंग। आई रियली लाइक इस बार का मॉडल एंड आई लव द डेजर्ट टाइटेनियम कलर, तो मुझे लगा मुझे इस बार चेकआउट करना चाहिए, और इफ़ आई लाइक द कलर, इफ़ आई मतलब हैंड फील लेके, सो मुझे इस बार खरीद लेना चाहिए, बिकॉज 2 साल हो गए, मेरी बैटरी हेल्थ भी डाउन हो चुकी है, तो मे बी इसे मैं रीसेल कर दूंगा, फिर एज अ सेकेंडरी फ़ोन मैं इसे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ क्रोमा। आई नो अभी मार्केट में फ़ोन नहीं आया होगा डिस्प्ले के लिए, बट मैं सोच रहा हूँ प्री बुक करा दूँ जा कर के, और मैं वेबसाइट पे भी साइड बाय साइड चेक कर रहा हूँ, और इवन मैंने अपने इस जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ मैंने उसको ट्रेड इन करने का भी ट्राई किया था, बट मेरे को वैल्यू थोड़ी सी कम लगी, एप्पल हमेशा ऐसी करता है, थोड़ी कम है वैल्यू, बिकॉज अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो वो थोड़ा मेरे को स्लाइटली सही प्राइस मिलेगा। तो यस, अभी मैं जा रहा हूँ क्रोमा, और क्रोमा में भी जाके मैं प्री बुक कराऊंगा, बिकॉज जब मैंने 14 लिया था, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी 14 की, तो 14 जब मैंने लिया था तो आई एम द फर्स्ट जो स्टार्टिंग में क्रोमा से जब आईफोन जैसे आता होगा उनके पास स्टॉक में, और जो पहले 3 कस्टमर थे मैं उनमें से एक था, सो आई गॉट द हैम्पर क्रोमा की तरफ से, एंड उसके अंदर कॉफ़ी थी, चॉकलेट थे और भी कुछ कुछ था, 2 साल पहले आई फॉरगॉट कि क्या क्या था, मेरा हाथ दुख गया फिर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो अब बस मैं क्रोमा जा रहा हूँ, और क्रोमा जा कर के मेरे को प्री बुक कराना है अपना आईफोन, और उनसे पूछना है बिकॉज दे आर फ्यू अमाउंट, लाइक वो थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं आपसे, और वो अमाउंट आपको सबमिट करना होता है, और जैसे ही फ़ोन आता है वो आपको बता देते हैं, और फिर आप अपना फ़ोन ले सकते हो। बट मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं 14 यूज़ करूँ, 14 दिमाग से जा ही नहीं रहा है, तो मैं अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं 16 प्रो लूँ या प्रो मैक्स लूँ। तो द थिंग इज़, मैं अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो प्रो मॉडल है, मैं प्रो मॉडल यूज़ करता है, लाइक 13 Pro 14 Pro मैं ये यूज़ करता हूँ, मैंने इससे ऊपर के मॉडल कभी यूज़ किया ही नहीं है, तो लाइक मैंने मैक्स नहीं लिया अभी तक, तो मेरे को पता, और मैक्स इज़ लाइक अ बिगर फ़ोन, बिग डिस्प्ले, तो मैंने कभी हैंडल नहीं किया वो वाला फ़ोन, और मेरे को बहुत कॉम्पैक्ट लगता है बिकॉज प्रो वर्जन, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ मैं मैक्स लूँ। तो यस, लेट्स सी मैं क्या डिसाइड करता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, और व्लॉग पूरा देखना, और अभी बस मैं मॉल जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एम्बियंस मॉल गुड़गांव, और चलते हैं क्रोमा। पीछे का रूम बढ़ा दिया, वो कर दिया, और वो तो बीच में ही है। नहीं नहीं, कोई नहीं, पूछूं क्या? तो भाई सारे फोन हटा के दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने तो सारे आईफोन ही हटा दिए, पुराने मॉडल जितने भी हैं सारे। के प्री बुकिंग का क्या अभी 16 वाली 16 की बुकिंग हो जाएगी, प्रो प्रो मैक्स की नहीं होगी, प्रो प्रो मैक्स की 16 प्लस की कर सकते हैं आप। प्रो की कब से होगी शुरू? प्रो की अभी कोई आईडिया नहीं है। सो क्रोमा ने तो मना कर दिया, उनको प्री बुकिंग ले ही नहीं रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रिलायंस डिजिटल पे, मे बी वो प्री बुकिंग ले रहे हो, बिकॉज 16 और 16 प्रो की नहीं प्री बुकिंग ले रहे, अदरवाइज तो सारी प्री बुकिंग ले रहे हैं, लाइक 16 प्लस वो सारी चीज़ें। तो लेट्स सी, सिक्सटीन की प्री बुकिंग ले रहे हैं आप? प्रो और प्रो मैक्स? प्रो मैक्स की ले रहे हैं, पर से कंफर्मेशन नहीं है, 1.5 महीना लगता है, 20 सितंबर के बाद 1.5 महीना का टाइमिंग लग सकता है आपको मिलने। और क्या है बुकिंग अमाउंट? बुकिंग अमाउंट 2000। 1.5 महीना ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको आगे से स्टॉक का प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक का, सेकेंडली प्री बुकिंग बहुत हो चुकी है, तो आगे से एनालाइज करके हमें मिल जाता है, हमें टाइमिंग उसी अकॉर्डिंग मिलती है। पहले हमारे पास था कि आपको 15 से 30 डेज के बीच का बोल रहा है, कल ही हुई कि कल ही हमने लेट नहीं थी, फिर उनको 1.5 महीना बोल दिया।
मे बी ओवर आई वो डिसअपॉइंटेड तो इन्होंने मना कर दिया है प्री बुकिंग लेने से. प्रो और प्रो मैक्स में सारी दिक्कत है और ले भी रहे हैं तो नो गारंटी वो 2 महीने बाद भी देंगे तो इट्स लाइक दैट. तो एक बार लास्ट उस पर पता कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे, अगर वो भी नहीं ले रहा होगा तो फिर वेबसाइट से देंगे. उस पर तो पहले से पैसे रखे हैं मेरे 500 रुपये लास्ट ईयर बुकिंग. अरे मेरे नंबर पे है, रजिस्टर्ड है, ले लेगा. ये कह रहे हैं 20 को डेमो पीस आएगा तो अगर 20 को डेमो दे के लूँ ना, एक काम करता हूँ 500 रुपये देता हूँ, मैक्स की बुकिंग करा देता हूँ 512 की. तो प्रो की करा देता हूँ 512 की. पूछ लेता हूँ ना, मेरे पहले के भी तो पैसे पड़ेंगे. एक काम करते हैं, उसको बोल देता हूँ पिछली बार के जो मेरे पैसे हैं 500 रुपये उसको इसमें एडजस्ट कर दे. बोल के देखता हूँ ना, अगर वो पिछली बार के 500 रुपये इसमें एडजस्ट कर देगा तो यही मेरी बुकिंग अमाउंट हो जाएगी, वरना दोबारा देना पड़ेगा 500 रुपये. अच्छी चीज़ है कि दे रहे हैं, एटलीस्ट मना नहीं किया. आपके पास मेरा नंबर सेव होगा, उसमें मेरे ऑलरेडी पहले के तो हैं, बट आप बोलोगे अगर पहले का वो एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को फिर से पैसे देने तो आप वो बताओ. तो पहले वाला तो एडजस्ट हो जाएगा ना, बट इस बार में हाँ जी ठीक है, आप चेक कर लेंगे. और डिस्काउंट क्या क्या है अभी जब मैं जैसे परचेज करूँगा तो मखानी कर रहा था उसका बेनिफिट क्या, 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा आपको पहला, और साथ में आप एप्पल केयर लेते हैं आप तो 25% का ऑफ मिलेगा. ओके, और कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह पे 20% का कार्ड पर डिस्काउंट है, आईसीआईसी एक्सिस कोटक 3 कार्डों पर चल रहा है. तो 20,000 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 512 1TB 170 1TB और 512 150 512 डेजर्ट टाइटेनियम 16 Pro. ये आएगा कब तक? और मेरा ना इस पर GST डिटेल वगैरह सब कुछ होगा ही ऑलरेडी सेव क्या? अच्छा वो तो अभी तो प्री बुक है. सॉरी, जो आप डिटेल दोगे आप उसी में मिलेंगे, उसके बाद चेंज नहीं होगा कोई भी चीज़. ओके, तो आप मेरे को बताओगे फ़ोन करके, मेरे को अपडेट लेना पड़ेगा कैसे है? जैसे लॉट बढ़ाए तो कॉल कर लेंगे. ओके, और एस्टिमेटेड क्या डेट? सो आई एम बैक, फाइनली प्री बुकिंग करवा ली. और रिलायंस और क्रोमा ने तो मना कर दिया था कि वो प्रो और प्रो मैक्स की बुकिंग नहीं ले रहे, बट लकीली इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोला कि ठीक है हम बुकिंग ले रहे हैं. और 15 दिन मैक्सिमम बोला कि अवेलेबिलिटी डिलीवरी जो होगी 15 दिन मैक्सिमम में वो दे देंगे. तो यस, आई एम सुपर एक्साइटेड. और तो आज 14 तारीख है, अब जब मेरे को डिलीवरी आएगी बाकी की वीडियो आपको तब देखने को मिलेगी ऑब्वियसली. चलो ठीक है फिर, बाय. Much later. सो आई जस्ट केम बैक टू होम और मैंने मॉल में इसलिए वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वॉज पिस्ड ऑफ. द सीन इज, मैं बैक स्टोरी सुनाता हूँ थोड़ी सी. जिस दिन मैं अपनी बुकिंग डाल के आया था द डेट वॉज 14th of September एंड दे सेड कि 20 को फ़ोन का लॉट आएगा एंड देन विल कॉल यू. तो आई वॉज लाइक ठीक है. और उन्होंने बोला अगर आपको अपडेट चाहिए होगा तो आप इस नंबर पर फ़ोन करना. उन्होंने वो एक नंबर दिया मेरे को कि इस पर फ़ोन करके आप पूछ लेना. आई वॉज कॉलिंग देम लाइक 21st से, आज 23rd है, 21st को मैंने फ़ोन किया. देर वॉज अ गर्ल, उसने फ़ोन उठाया और उसने बोला कि अच्छा अभी ना मेरे को डेट याद नहीं थी कि मैंने किस दिन अपना फ़ोन बुक कराने गया था. तो उसने बोला कौन सा डेट था? मैंने कहा 2-4 दिन पहले की बात है, मेरे को याद नहीं था बिकॉज. तो उसने बोला अभी ना 14 तारीख वालों का, 13 तारीख वालों का लॉट आया तो उनको मिल रहा है. तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा फिर भी चेक करो, मैं आप पे कॉल करना. उन्होंने कहा ठीक है मैं 2 मिनट में करती हूँ. उसके बाद मैंने अपनी गैलरी चेक की जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, दैट वॉज 14th September. तो आई वॉज लाइक कि मेरा तो आ गया होगा. फिर मैंने उसको कॉल करना शुरू किया, भाई उस बंदी ने फ़ोन नहीं उठाया पहले. उसके बाद उनका नंबर नहीं लग रहा था. देन आई कॉल्ड वसंत कुंज का इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी गुड़गांव में स्टोर थे कि मेरे को कोई एम्बियंस वाले का नंबर दे दे बिकॉज मैं था नहीं उस समय, दिल्ली में बाहर था. किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस रहा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ. लास्ट ईयर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं लिया था, मैंने अपनी बुकिंग डाली थी बट लिया नहीं था. इस बार भी उन्होंने सेम वो चीज़ करी, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा. तो अगर आप लोगों को भी लेना है भाई, बहुत झमेला करते हैं,
बुकिंग डाल लो, फिर इनके चक्कर लगाते रहो, कोई अपडेट नहीं करता, कोई फ़ोन नहीं उठाता, बहुत ही इवन आज जो मेरा मूड ख़राब हुआ, हम जब मॉल गए, मैंने उससे पूछा उसके बारे में, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड था, नहीं अभी तो नहीं आया है, तो मैंने कहा कि बट उन्होंने बोला 13-14 तारीख वाले का सबका आ चुका है, तो उन्होंने कहा नहीं आपका नहीं आया, आप वो लैपटॉप में देख लो, फिर खूब बहस हुई, खूब मैंने उससे बोला कि तुम्हारी इतनी पुअर सर्विस है, आई विल डेफिनेटली गिव यू गूगल रिव्यू, ट्विटर पर आई विल टैग गूगल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ, बहुत ड्रामा हुआ, सब देखने लग गए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर मैं मूड नहीं किया कि मैं ब्लॉग करूँ, अच्छा होता मैं वो रिकॉर्ड करता, मैं आपको दिखाता कि वहाँ के स्टाफ का एटीट्यूड कितना नॉर्मल था, बट तुम्हारे भाई ने बख्शा नहीं बिल्कुल भी, बहुत रख के सुना क्या है, बिकॉज मैंने उनको अपनी कॉल डिटेल दिखाई कि भाई सब कॉल किया, कह रहा आपको सिर्फ व्हाट्सअप कॉल करना चाहिए था, मैंने उसको व्हाट्सअप कॉल भी दिखाई कि देख मैंने सब कुछ किया, बिकॉज आई वॉज क्यूरियस कि मेरा फ़ोन आया कि नहीं आया, तो बहुत ड्रामा हुआ, और अब आई थिंक मैं एप्पल की वेबसाइट से अपना फ़ोन बुक करूँगा, तो आपको सीधे मेरा फ़ोन देखने को मिलेगा, जब मेरा फ़ोन आ जाएगा तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर आपको दिखाऊंगा, या फिर मैं एक बार क्रोमा भी ट्राई करूंगा कि इफ़ दे आर टेकिंग लाइक प्री ऑर्डर्स की वो मिल रहा है कि नहीं, बिकॉज एप्पल की वेबसाइट पे अभी भी दिखा रहा है कि अगर मैं अभी बुक करता हूँ तो मेरे को 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में देगा, तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मैं और स्टोर्स चेक करूंगा और उसके बाद मैं आपको आईफोन दिखाऊंगा। तो गाइस मेरा फ़ोन आ गया है और अभी मैं जा रहा हूँ फ़ोन लेने के लिए और मैं पूरी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और वीडियो पूरी देखते रहना। सो गाइज फाइनली मैंने फ़ोन ले लिया है आफ्टर 1 month, राइट right? मतलब मैंने पिछले महीने 14 सितंबर को अपना फ़ोन बुक कराया था और मोस्ट ऑफ द लोगों को फ़ोन मिल गया था, बट भाई मैंने साकेत दिल्ली और साकेत में जो मॉल है सिलेक्ट सिटी जहाँ पे एप्पल स्टोर है वहाँ और न जाने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ब्रांचेस एरो सिटी गुड़गांव चेक कर लिया भाई, कहीं पे ही फ़ोन अवेलेबल नहीं था। ऑनेस्टली मेरे को तो लग रहा था ये लोग ना अलग लेवल का हाइप बना रहे हैं कि मतलब लोग पागल हो जाए लेने के लिए, बट आई वॉज नॉट दैट क्रेजी, मेरे को लगा मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ दूंगा। मैंने बताया था मेरी बहुत सही बहस हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टाफ के साथ, बिकॉज मैंने फ़ोन बुक किया था और औरों को मिल रहा था बट मेरे को नहीं दे रहे थे वो लोग फ़ोन, या फिर जो भी था। ओके सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आई फाइनली गॉट आईफोन 16 प्रो डेजर्ट टाइटेनियम 512 GB, बिकॉज मेरे फ़ोन का स्टोरेज बहुत जल्दी भर जाता है, यू नो एप्पल का कैमरा कितना ज़्यादा यू नो डेटा लेता है कि मतलब 256 तो पता ही नहीं चलता कब भर गया, दो आई हैव आई क्लाउड ऑल्सो। सो या वैसे तो मैंने देखो अनबॉक्स कर लिया है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑब्वियसली उनको मेरे को दिखाना था कि फ़ोन बिल्कुल सही सलामत है जो मुझे दे रहे हैं, बट इग्नोर मेरे लुक्स को, यस बट दोबारा से मैं आपको अपना फ़ोन दिखाता हूँ, यस बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। अब देखो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही यू नो नॉर्मल सी बात हो गया, आईफोन ले लिया नया आया तो, बट फॉर मी इट्स अ बिग डील एंड बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों का अभी भी यू नो एक प्रॉपर भाई सपना होता है कि पैसे जमा करके आईफोन वगैरह लेने का, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव आईफोन 16 प्रो सम ASMR एडिशन, यस ओके सो बहुत सारी बकचोदी होगी। So this is my iPhone 16 Desert Titanium 512 GB and yes, सबको पता तो है फ़ोन कैसा लगता है। एंड भाई जब मैं वहाँ पर भी अनबॉक्स कर रहा था ना, वो स्टाफ भी कह रहा था भाई बहुत सही से खोलना, कई लोग मतलब खोलते ही गिरा देते हैं एक्साइटमेंट में, बट मैंने बोला नहीं मैं सारी रील्स देख के आया हूँ एंड आई नो कि फ़ोन को कैसे खोलना है। Here is the beauty guys, मैंने इसलिए इसे पकड़ा कि ऐसे ना गिर जाए, एंड या This is the desert titanium looks like. I think light थोड़ी different है तो maybe color में थोड़ा सा आपको difference लग रहा होगा, इतना dark है नहीं बहुत light सा है, and yes phone को रखते हैं side में थोड़ी देर के लिए, and इसके साथ जो मुझे मिला है वो है braided cable which is very good because वो वाली टूट जाती थी भाई बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती थी, बट वो भी अच्छी क्वालिटी की तो reuse भी ज़्यादा अच्छी है, एंड हमें मिलता ही है बिकॉज एप्पल ने सारे पैसे बचा लिए हैं। अडैप्टर वगैरह कुछ नहीं है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी मेरे 14 प्रो का अडैप्टर है तो मेरे को अडैप्टर की ज़रूरत नहीं है, एंड बाल क्यों नहीं सही लग रहा है आज, यस
तो यस दैट्स इट गाइज, मैंने फाइनली इतने सारे केओस के बाद पूरा एक महीना ड्रामा चला और उसके बाद फाइनली मेहनत रंग लाई, फोन आ गया है मेरे हाथ में। एंड गाइज अब मैं इसे बिल्कुल अमीरों की तरह यूज़ करूँगा विदाउट कवर, बिकॉज मैंने खरीदा है इसका एप्पल केयर, जिसमें भाई ने बोला है भाई फ़ोन टूट जाए गिर जाए नो क्वेश्चन आस्क्ड, आपको सिर्फ 2,000 या 2,500 रुपये में पूरा बैक फ्रंट कुछ भी टूट जाए वो रिप्लेस कर देंगे, पूरा फ़ोन क्रश हो जाए आपको दूसरा मिल जाएगा। क्रश बोलो तो ये नहीं किया, मिट्टी करके ले जाना, बट हाँ तो मतलब मैं अब आराम से फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही सही से अपनी फ़ोन की टेक केयर करता हूँ। इवन मेरे पास जो अभी ये मेरा 14 प्रो है बिल्कुल ऐसे टॉप नॉच कंडीशन में है, कोई बोल नहीं सकता कि इसको 2 साल हो गए, मस्त बिल्कुल है, चकाचक, नो स्क्रैच, नथिंग, बैक की हो रहा है बार बार साइड में, बैक को भी फुटेज चाहिए। यस अब मैं अपने इस फ़ोन में सारा डेटा ट्रांसफ़र कर लूँगा, बिकॉज एप्पल का बहुत आसान होता है भाई डेटा ट्रांसफ़र करना, यू नो एंड्रॉयड में थोड़ी भसड़ होती है बट इसमें आराम से जाता है। एंड यस तो मैं इससे डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ एंड आई होप आपको ये मेरी आईफोन 16 खरीदने की जर्नी अच्छी लगी होगी, इसमें जितनी भसड़ मैंने करी है वो आपको देखने में मज़ा आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी भसड़ वाली वीडियोज़ मैं डालते ही रहता हूँ मोस्टली, अगर मैं कहीं ट्रैवल जाता हूँ वहाँ भसड़ हो जाती है, कुछ ना कुछ रहता है तो इसके लिए। एंड बस हो गया भाई, ले लिया आईफोन मैंने, तुम मस्त अब कुछ और करो, जाओ वीडियो तो तुमने पूरी देख ही ली है, अगली वीडियो का इंतज़ार करो।